हमारे यहां समाज में आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है या समाज की एक प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि हम लोग उगते सूरज के पुजारी होते हैं। हर कोई को स्वभाव होता है, किसी के जीवन में अच्छे दिन आए तो उसके अगल बगल में लोग लग जाते हैं। उगते सूरज की पूजा, ये शब्द हमारे यहां बड़ा प्रचलित है, पूरे देश में है। एक बिहारी समाज ऐसा है, जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता मित्र। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं मित्रों। और दूसरी विशेषता है मित्रों, छठ पूजा ये व्यक्तिगत श्रद्धा का, भक्ति का, उमंग का उत्सव तो है ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा के साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी है और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है, और वो ये कि कितना ही पान खाने का शौक हो, बिहार में तो रहता है, और कहीं पर भी पिचकारी लगाने की आदत होती है, लेकिन कहते हैं कि छठ पूजा के समय कोई कहीं गंदगी नहीं करता है, इतना सफाई का आग्रह रहता है, चारों तरफ एक माहौल होता है, स्वच्छता का अभियान होता है। ये अपने आप में बहुत बड़े संस्कार है। ये देश विशेषताओं से, विविधताओं से भरा हुआ है और हमें उन विविधताओं का आदर करना होगा, उन विविधताओं का सम्मान करना होगा, उन विविधताओं में एकता के सूत्र को खोजते रहना होगा, उसको पुष्ट करते रहना पड़ेगा। तोड़ने वाली शक्तियां बहुत है, जोड़ने वाली शक्तियां बहुत कम है, तब एकता के मंत्र को बार बार गूंजता करना पड़ेगा। बिहारी हो, गुजराती हो, हमारे बीच में दीवार क्यों? आप भी भारत मां के बेटे हैं, हम भी भारत मां के बेटे हैं। क्या मां के दूध में दरार हो सकती है? हम इसी भारत मां का दूध पी करके पले बढ़े हैं, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती दोस्तों। ये भाव भारत भर में गूंजना चाहिए। खैर मित्रों, फिर एक बार मेरे गुजरात में बिहार के बहुत भाई रहते हैं और मजा ये है, जो सूर्य के हर रूप की पूजा करने के आदि हैं वो सूर्य पुत्री तापी के पास ज्यादा रहते हैं। तो हमारा आपका नाता बड़ा अटूट है, ये नाता और जुड़े और शक्तिशाली बने, इसी एक शुभकामनाओं के साथ छठ पूजा के निमित्त शुभकामनाएं हैं। और ये गुजरात हो, बिहार हो, इस देश का कोई कोना हो, भारत हमारी मां है, इस मां के कल्याण के लिए हम जहां भी हो उसी के लिए जिए, हम जहां भी हो उसी के लिए जूझे, हम जहां भी हो अपनी इस भारत मां के कल्याण के लिए काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।